देखो ये कपड़ा पूर्णिमा को देकर धोने के लिए बोलो और तुम ये कॉफी मालिक को दे दो। कॉफी है ये तेरे लिए लाया हूँ, ले ले ले। अच्छा लाओ। ये कॉफी देने के बदले में मुझे कुछ नहीं देगी? मैं तुझे दे चुकी हूँ ना, और क्या चाहिए? मुझे एक बार टचिंग दे, टचिंग। बड़े मालिक ये रहा कपड़ा, धो डालो। ए, तू पूरी तरह होश में तो है? मुझे क्या समझा है? तुम कोई भी हो, मुझे क्या करना है? ये कपड़ा है धोने के लिए, धो डालो। अरे रे बाप रे बाप, ये गाल पर आवाज कहाँ से आई? गाल पर आवाज नहीं, मैंने तुझे थप्पड़ मारा है। अरे बाप रे बाप, आप है क्या? ले जाओ यहाँ से इसको। नहीं डैडी, मैं लेके जा रही हूँ, नहीं तो ये भुलक्कट फिर आके आपको बर्तन धोने के लिए टेंशन देगा। अच्छा तू ही लेके आ जा। ए इधर आओ। क्या है? शिवा किधर है? वो बाहर गए हैं। वो आएगा तो कहना चित्रा और उसके फ्रेंड्स आ रहे हैं, गाड़ी लेके उन्हें लेने के लिए स्टेशन चला जाए। इनविटेशन कार्ड देकर राज भाई को कहना कि सबको बांट दे। तुम बाजार जाके फल फ्रूट लेके आना, समझ गया ना? हाँ समझ गया। क्या बताओ? शिवा को स्टेशन भेजना है, राज भाई को इनविटेशन कार्ड बांटना है और मुझे फल लेने मार्केट जाना। शिवा को कार्ड बांटने भेजना है। ए भाई यारे, बनारस से आने वाली गाड़ी स्टेशन कितने बजे पहुंचेगी? अबे जाना, चिल्ला क्यों रहे हो? और कितना वक्त लगेगा यार? ए शिवा भाई, तुम और यहाँ? इनविटेशन देने आया हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चित्रा और उसके फ्रेंड कहाँ हैं? अभी तक तो आए नहीं, मैं उन्हीं का इंतजार कर रहा हूँ। यहाँ पर? स्टेशन पर नहीं तो कहाँ पर इंतजार करेंगे? चल। अरे बेवकूफ, ये रेलवे स्टेशन नहीं है, पुलिस स्टेशन है, बोर्ड देख। अरे बाप रे, ये क्या कर दिया? मुझे सही बताना चाहिए था ना, मुझसे कहा है स्टेशन जाने के लिए। अब क्या मैं पागल हूँ जो मैं बेकार में यहाँ आ गया? अच्छा तो इसीलिए इधर आया। चल चल तू घर जा, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। नहीं नहीं भाई, मैं घर जाकर मालिक से बेवजह चार गाली सुनने से बेहतर है मैं खुद उन्हें लेकर आता हूँ। तुम अपने काम से जाओ। अरे अरे ये क्या हुआ? ए शिवा भाई, शिवा भाई। क्या हुआ? मैं भी यहीं पर हूँ, पुलिस स्टेशन के सामने गाड़ी भी खड़ी है, फिर भी किसी ने इस गाड़ी का स्टीयरिंग चोरी कर लिया। अब मैं मालिक के सामने क्या कहूँगा, मैं क्या करूँ? ए उधर देख। क्या देखूँ, वो तो यहाँ थी, उधर कैसे गई? ओह वो कहीं नहीं गया, जाना तो तुझे है, तू इधर ही है, जल्दी से जा, वो इंतजार कर रहे होंगे। सचमुच सही है बेटा, वो अभी तक नहीं पहुंचा, तू आ रही है ये पता चलने के बाद भी। आ रहे करके कब से बोले जा रहे हो आप? अब मेरा बर्थडे विश करने भी नहीं आए, अब मेरा बर्थडे गिफ्ट भी नहीं लाए। वो आ जाएगा तो तू ही उससे पूछना कि उसने ऐसा क्यों किया। ये लो आ गया। कैसा है ये? शिवा तो नाम है इसका, लगता है जहर पीकर चेहरा कोयले की जैसा काला हो गया। मुझे तो इसे देखकर उल्टी आती है। मैं इस घर में रहता हूँ इसलिए ये लोग क्या समझते हैं, मुझे और कोई काम नहीं है क्या करने के लिए? मुझे यहाँ पर भेज दिया स्टेशन पर कोई आ रहा है कह के, मगर इधर तो कोई आया ही नहीं। कमाल है। इधर आ तू। ये कौन है? कोई भी मुंह उठाकर चला आता है इस घर में? अरे भाई कौन हो तुम? ये गाल पे मेरी आवाज कहाँ से आई? कहीं से नहीं, तुझे थप्पड़ मारा उसकी आवाज है। अरे बाप रे। ए, मैंने कहा था क्या और तूने किया क्या? आपने स्टेशन पर जाने के लिए कहा था। मैंने शिवा को कहा था कि स्टेशन पर भेज देना, तू मरने के लिए क्यों गया? इसका मतलब ये शिवा नहीं है? शिवा किधर है? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार, आओ शिवा बैठो। मेरे मालिक की बड़ी बेटी की शादी है, आप शादी में जरूर आइएगा। पाटिल साहब की बेटी की शादी में अगर मैं नहीं आऊंगा तो पाप लगेगा, जरूर आऊंगा। लेकिन उनकी एक छोटी बेटी है ना? चित्रा। हाँ वो कैसी है? वैसे तो ठीक ही है, लेकिन पैर की वजह से बैशाखी से चलती है, वो देखकर बहुत दुख होता है। मालिक का भी यही हाल है,
इसके सिवा आप कोई और दूसरा ट्रीटमेंट? सब कुछ हो गया है उसको, मेरा पैर कभी ठीक नहीं होगा, मैं अपाहिज हूँ, यही बात उसके दिलो दिमाग में बैठ गई है। पहले इस चीज को निकालना होगा, उसके बाद मेरे कहने के मुताबिक तेल की मालिश आयुर्वेदिक थेरेपी करेंगे तो उसके बाद पैर ठीक हो जाएंगे। इनविटेशन का सारा काम हो गया है, खाने पीने का भी सारा इंतजाम हो गया है और हाँ हाँ समझ गया। इसके बाद मेरी छोटी लड़की बहुत उदास है, तू जाके देख, वो कह रही है तू उसे प्यार नहीं करता। वो क्यों? क्यों क्या, तो खुद पूछ ले। हाँ पूछता हूँ, उससे पहले मैं जाके डॉक्टर से मिला था। चित्रा का पैर ठीक होने के लिए अभी कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, उनका कहना है कि उसके दिल में ये बात भरी हुई है कि मैं अपाहिज हूँ, अगर ये बात निकल जाए तो वो ठीक हो सकती है। मुझसे प्यार नहीं है तो मेरे पैरों के लिए क्यों? ओहो, तो छुपकर सारी बातें सुन ली है तूने। बात को अब घुमाओ मत, मैं कब से आई हूँ, कितना इंतजार किया, मेरे से बात करना तो छोड़ो, स्टेशन में लेने भी नहीं आए, मुझसे जरा भी प्यार नहीं करते। छे, मेरा सगा भाई होता तो। चित्रा, क्या मैं तुझे प्यार नहीं करता हूँ? तुम दोनों को जब से देखा है मैंने कभी अपने आप से भी यह नहीं समझा कि तू मेरी सगी बहन नहीं है। जब तू मुझे भाई कह के बुलाती है तो मैं अपना सारा दर्द भूल जाता हूँ। एक हफ्ते के बाद तेरी शादी हो जाएगी, तू हमें छोड़कर चली जाएगी, मैं फिर से अनाथ नहीं होना चाहता मेरी बहन। मेरी जिंदगी में मैं एक लुटा हुआ इंसान हूँ, पानी बिना मछली की तरह तड़पता हुआ मेरा यह जीवन तुम लोगों के प्यार के जाल में फंसकर रह गया है। तुमने भी अगर किनारा दिखा दिया तो मेरा जीने का कोई अर्थ नहीं। सॉरी भैया, आज के बाद ऐसी बात नहीं करूंगी। मैं चाहती थी भैया मेरे सारे फ्रेंड से तुम्हारा इंट्रोड्यूस करा दूं, और तुम्हारे ना आने पर मैंने गुस्से से कह दिया। आगे से ऐसा मत करना, तुमने दोबारा यह गलती की ना तो तुझे सजा देने के लिए मेरे पास आंसू के सिवा कुछ नहीं है। अगर मैंने अपने सारे आंसू तुझे सजा देने में बहाया तो शादी में क्या बहाऊंगा? हाँ चित्रा, डॉक्टर ने कहा है कि तेरा फिजियोथेरेपी करके तेरा पैर ठीक कर देंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, छोड़ो, बार बार एहसास दिलाते रहते हो कि मैं एक अपाहिज हूँ, इससे तुम्हें कोई तकलीफ है क्या या मैं तुम पे कोई बोझ हूँ? तेरी तो चल छोड़ दिया। मेरी बहन, पेड़ों को फल, पैदा करने वाले को अपनी औलाद, भाई को बहन बोझ थोड़ी होती है। मैं भी तो यही चाहता हूँ कि मेरी बहन भी दूसरों की तरह खेलती कूदती रहे। जिसका तुम जैसा भाई हो उसको खुशियों की कमी है क्या? तू अक्सर अपने फ्रेंड से मिलाने की बात करती है ना, चल मिला। अब तक तो शायद सो चुके होंगे। ओ, तो फिर कल मिलते हैं। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। अरे चित्रा के गांव में आकर सूरज डूब भी गया, फिर से निकल भी गया, मगर उसका कुछ पता पता ही नहीं। साथ में जब रहती है तो ये कर दूंगी वो कर दूंगी बड़ी बड़ी फेंकती रहती है। ए, यूं ही बातें करती रहेगी क्या? जाके नहा के तैयार हो जा, बाहर चलना है। ठीक है बाबा, लेकिन वो आया कि नहीं? सॉरी यार, रात को जब मेरा भाई आया तब तक काफी देर हो चुकी थी। हाँ, लेकिन इस वक्त वो देवस्थान में पूजा कर रहा होगा, वही सबको मंगल आरती देता है। तुम भी चाहो तो जाके देख लो, मैं अभी नहा कर आती हूँ। ठीक है। शिवा जी मालिक, सामान को अच्छे से तैयार करके मंडी में देके आ जा। अच्छा मालिक। राजाराम जी, ये लो सबको आरती दे दो। जी अच्छा। I'm sorry.
किधर है तेरा वो घर वाला? लेकिन क्यों? क्योंकि उसने अपनी जुबान तोड़ी थी तो वादा क्यों किया था उसने? है अब वो पुरानी पार्टी की तरह साफ सुथरा है या फिर लुच्चा बन चुका है, ये देखना है। ऐसी क्या बात हो गई? मेरे लड़के से तेरी बेटी की शादी करता हूँ कह के अब कहाँ छुपा है वो और उसका बेटा? सुनिए, ऐसी बातें मत कीजिए। कोई तो वो वजह होगी जिससे मालिक ने शादी के लिए ना कर दी। वजह किसी की नहीं रहती। क्या कहता है, सर बचाने के लिए वजह है तो सर कटाने के लिए वजह हो सकती है। सर चला भी जाए तो अपनी बात पे अटल रहने वाले कम मर्द होते हैं, नहीं तो वो हरामी की औलाद हैं। शेर तेरे सामने खड़ा है, तू दहाड़ते हुए मेरी गर्दन तक हाथ बढ़ाने की हिम्मत कर रहा है? तू अगर अपनी हद से बाहर गया ना तो यही हाथ तेरी गर्दन तक पहुंचेगा। तेरी जान निकाल कर भगवान के पैरों में और तेरा जिस्म मालिक के पैरों में डाल देगा। ए, रुक जाओ। ए पाटिल, कैसी हराम की औलाद को अपनी नौकरी पर रखा है? ए, अपनी जुबान को काबू में रखो, ये नौकर नहीं है बेटा, ये मेरा बेटा है। इसलिए तेरा नसीब अच्छा है कि मैं वक्त पे पहुंच गया। इससे माफी मांगो और निकलो यहां से। तो तेरी दी हुई वो बात? बात दिया तो क्या हुआ? तेरे जैसे बेगैरत बेईमान के घर पे मेरी लड़की को ब्याह करके दूंगा तो इसकी जिंदगी तबाह कर दोगे तुम। मुझे ही मेरी आत्मा धिक्कारेगी। तेरी इन फालतू बातों को मैं बिल्कुल नहीं मानता और ना ही हार मानने वाला हूँ। अब मैं जाने से पहले एक बात कह देता हूँ, अगले 24 घंटे के अंदर अगर तूने अपना फैसला नहीं बदला और मेरे लड़के के साथ तेरी लड़की का ब्याह नहीं कराया तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा चाहे जो हो जाए, समझा? राम के आगे ओ परमेश्वरी, डरती है तुमसे जगिए ओ महेश्वरी। ओ मां, ओ मां, बाप को जो संहारे तब प्रतिमूर्ति से, आज तोड़ो दीवारे तेरी शक्ति से। वैद्य संचारिणी नंदिनी महोभूमि रूपिणी ओमा जगदम्बा।